त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना के अनुसार विकासखंड कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं, जिसे लेकर विकासखंड नारसन के कार्यालय में सुबह से ही लोगों का तांता लग गया था। लाइनों में लगकर तीनों लोगों ने अपना अपना नामांकन पत्र जमा किया। वहीं निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र यादव ने बताया कि नारसन में 840 पदों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने बताया कि 12 AR नियुक्त किए गए हैं। बंगलोर से संवाददाता राहुल सैनी की रिपोर्ट। वैसे तो व्यवस्था के बारे में मैं दो बात कहूँगा। आज गर्मी बहुत है और जो रिटर्निंग ऑफिसर हमारे यहाँ नियुक्त करे गए हैं निर्वाचन अधिकारी, उनको थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ पे देना चाहिए था कि यहाँ थोड़ा टेंट की व्यवस्था होती। ग्रामीण है जिसमें महिलाएं भी हैं, महिला के साथ में युवा वर्ग भी है, तो छाया की कोई व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा, पानी की व्यवस्था को देख के देखा जाए तो पानी की व्यवस्था में भी बहुत सारी कमियां हैं। एक विकासखंड नारसन में जैसा आप सब सूचित हैं कि 840 पदों पर मतदान की नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है, और जिसके लिए हमने कुल 12 AR को नियुक्त किया है। 4 AR हमारे BDC के लिए और 8 AR हमारे प्रधान और वार्ड मेंबर्स के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये व्यवस्थाएं कल शाम 5 बजे पूर्ण कर ली गई थी, जिसका निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने मौके पर कर लिया था, और आज सुबह निर्धारित समय 10 बजे से ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।